गाइज ये अपना आईक्यू 7 और इसके अंदर अभी आ चुका है नवंबर का लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट। देखते हैं यहाँ पे अपडेट आया नवंबर महीने का। तो नवंबर महीने के अपडेट के बाद बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था इसके अंदर कोई इशू वगैरह आया है कि उसके लिए वीडियो बनाने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई बहुत सारा दिक्कत था, मतलब एग्जाम वगैरह चल रहा है तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया बनाने के लिए। सॉरी। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत है इसका अभी बैटरी के रिलेटेड। तो बैटरी बैकअप पूरी तरीके से घट चुका है इस टाइम, मतलब बैटरी बैकअप के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा है। मतलब पहले तो जो अपडेट आया था उसके अंदर फिर से ठीक भी हो गया था ये चीज़, पर इस अपडेट के बाद मेरे फ़ोन के अंदर तो भाई मतलब 5 से 6 घंटा भी बैटरी नहीं दे पाता है। मतलब मैं तो पूरा हेवी यूज़र नहीं हूँ, और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि उन लोगों के पास BGMI के अंदर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे रहा है उन लोगों को, मतलब गेम के अंदर बहुत ज़्यादा रेंडर कर रहे हैं। तो मेरा तो BGMI मैंने अनइंस्टॉल कर दिया अभी, क्योंकि उसी दिक्कत के कारण मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था। पर फिर से डाउनलोड करके मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा कि आप कैसा दिक्कत आ रहा है उसके अंदर। ये प्रॉब्लम तो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ कंटेंट आप देख रहे हो मिनिमाइज़ करके, पर इसका रिफ्रेश रेट 60Hz हो जाता है। पर आप जब इसको स्विच ऑफ करोगे, ऑन करोगे, उसके बाद देख सकते हैं फिर से 120Hz हो चुका है। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो ये भी प्रॉब्लम है इसके अंदर अभी। तो देखने की बात यही है कि इसके अंदर नेक्स्ट जो एंड्रॉयड 14 आने वाला है फंटा चॉइस का, वो मैं लिस्ट दे दे रहा हूँ। आपका IQ का फोन इसमें होगा तो एंड्रॉयड 14 आपको मिलेगा। तो तकरीबन दिसंबर के महीने के अंदर आपको एंड्रॉयड 14 मिल जाएगा इस फोन के अंदर IQ 7 के अंदर। और जो जो लिस्ट इसके अंदर दिया है उसके अंदर जनवरी के अंदर भी आपको मिल सकता है इस एंड्रॉयड 14 का अपडेट। फोन में एंड्रॉयड 14 आ चुका है कि आप कमेंट करके जरूर से बताना, और आपका IQ 7 अभी कैसा परफॉर्म कर पा रहा है वो भी हमको कमेंट करके जरूर से बताना। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे सेफ।